गया कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है छात्र, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कटिंग एज। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजीज सिंगुलर कर दो फिर आपकी मर्जी, इसको प्लूरल में लाते हो फिर आपकी मर्जी, वाइज में लाते हो फिर आपकी मर्जी, जमा में लाते हो फिर आपकी मर्जी। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, ये नाम दी हुआ टेक्नोलॉजी। अब देखो जो जो वक्त गुजरता गया साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई, ठीक है, हर फील्ड में। ये नहीं कि कंप्यूटर में, केमिस्ट्री की आप फील्ड उठाओ आज से 400-500 साल, या ये तो मैं बहुत दूर चला गया, आज से 20-30 साल पीछे अगर चले जाओ केमिस्ट्री की फील्ड कुछ और थी, आज केमिस्ट्री की फील्ड कुछ और है, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स की फील्ड, बायोलॉजी की फील्ड, जुआलॉजी की हो, बॉटनी की हो, इसी तरह कंप्यूटर की हो, जिस किस्म भी दुनिया में जो है तो फील्ड हो, उसमें तरक्कियां आती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होती है, आज के दौर से इस चीज का ताल्लुक है, ठीक है। आज के दौर से और आज के बाद जितने भी दौर होगा इसका ताल्लुक इसके साथ, ठीक, यानी तेज तरीन टेक्नोलॉजी, तेज तरीन। इसकी मिसाल आप समझ लो, आप लोग ने हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज में, इंडिया की या वो जो अंग्रेजों की मूवीज होती है, अमेरिकन की या जो तो ब्रिटिश की जो भी हो, हॉलीवुड, उसमें आपने देखा होगा कि साइंस फिक्शन मूवीज बनती हैं, साइंस फिक्शन जिसमें ज्यादा साइंस बताया हुआ होता है, ठीक है, उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा आपने उन्हीं मूवीज में कोई सीन देखा होता है कि वो आदमी क्या कर जाता है, खड़ा होता है, ठीक है, जो एक्सपर्ट होता है वो आके हाथ हवा में ऐसे मारता है, ऐसे ऐसे करता है, तो उसके आगे एक स्क्रीन बन जाती है, हवा में एक स्क्रीन बन जाती है, तो वो इस हवा में उस पे ऐसे काम करता है, न मॉनिटर है, न कोई तार है, न और कुछ है, न जो है तो वो क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। उस तरह की वो टेक्नोलॉजी, उस तरह की टेक्नोलॉजी को कहा जाता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट। अच्छा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के फील्ड का ये जो जिला, अच्छा देखिए इसके बारे में कह रहा है कि ये हमारे पास लेटेस्ट एंड क्या एडवांस्ड, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, ये हमारे पास लेटेस्ट जदीद तरीक और एडवांस्ड, यानी कि जिसने उस मैदान में बहुत तरक्की कर दी हो, एडवांस हो 2-4-10-20 कदम आगे, वो टेक्नोलॉजी होती है हमारे पास, ठीक। अब इसकी 2-3 मिसालें मैं आपको दूंगा, समझ जाओगे, ठीक हो गया, समझ आ गई लेटेस्ट। फिर इसके बाद अच्छा मिसाल के तौर पर इसमें मैं आपको पहले थोड़ी मिसालें दूं ना, आपको समझ आ जाए। आज हर एक स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करता है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच देखिए किसी ने कि नहीं, स्मार्ट वॉच में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ठीक। अब तो एक जमाना का फोन था टेलीफोन, ठीक है, उससे पहले भी अगर चले जाओ तो तार था एक किस्म का, ठीक। फिर उसके बाद फोन आ गई, ग्राम बेल ने टेलीफोन इजाद कर दिया, फिर उसके बाद वो मोबाइल आ गए, मोबाइल अनुभव अक्षम के थे, ठीक। फिर उसके बाद करते 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 ये स्मार्ट वॉच आ गई। अब ये स्मार्ट वॉच आपके हाथ पे जो है तो ये आपकी घड़ी भी है, ये आपका मोबाइल भी है, ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, एप्पल वालों की है तो एप्पल वालों का आईओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल वाले यूज करते हैं, अगर हमारे पास एंड्रॉयड हो तो एंड्रॉयड वाले उसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो इसमें होता है, ठीक है। और उसमें आप यानी कि हर कोई काम कर सकते हो, जो काम मोबाइल करता है, ठीक है, वो सारा काम ये करता है, कैमरा लगे हुआ होता है इसमें बकायदा, इंटरनेट के साथ इसके साथ अटैच हो सकती है, ब्लूटूथ इसमें होता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स इसमें होते हैं, फिंगरप्रिंट्स कि आप अगर लॉक करना चाहते हो तो फिंगरप्रिंट के जरिए से इसको आप लॉक कर सकते, ठीक है। ये जब इसको स्मार्टफोन के बारे में, स्मार्ट वॉच के बारे में और भी अगर हम
टाइम मिला ना इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह काम करती है। असल में उसके पीछे सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसको क्या करता है, चलाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्मार्ट वॉच, ये थी इसकी मिसाल। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स मार्कर मजे का नहीं है यार, चेंज नहीं किया। क्वांटम कंप्यूटर हमारे पास वो होते हैं कि जो बारीक से बारीक काम करते हैं या मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं। इन क्वांटम कंप्यूटर को हम आज के दौर में सुपर कंप्यूटर्स भी कहते हैं। सुपर सुपर कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि जिस तक रसाई आने के बस की बात नहीं होती। ये किसी मुल्क का अगर कोई इदारा है तो वो मुल्क इनको ये चीज फंड करता है, पहुंचाता है। मसलन हमारी ISI है पाकिस्तान की, खुफिया एजेंसी है, खुफिया तंजीम है, तो उसको इस चीज की जरूरत होगी, हुकूमत फिर उनको ये फराहम करती है। इसी तरह हमारी जो है तो आप नेवी समझ लो, नेवी फोर्स जो है, एयर होगी, आर्मी होगी, नेवी होगी, वो समुद्रों के नीचे जाते हैं ना, उनमें उनको इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करते हैं। या नासा, अगर आप देखो नासा का नाम सुने हुए, ये ऐसी तंजीम है या ऐसा इदारा है अमेरिका का जो खिला में ऊपर जो है तो शटल्स भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, साइंसदानों को, एस्ट्रोनॉट जिसको कहते हैं, उनको भेजते हैं। वो खिला में जो है तो उस दुनिया से हटके, चांद से हटके, और जितने भी वो सियारे वगैरह हैं उनकी रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। उस इदारे को नासा कहते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इदारा है अमेरिका का। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्पेस खला में जो कुछ हो रहा है ये वहां पे रिकॉर्ड करके नीचे जमीन वालों को बताते हैं कि आपके ऊपर भी एक दुनिया है। ठीक है, तो इसमें ये क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं ना। अब देखो इंडिया ने पिछले दिनों जो है तो वो मरीख पे या कहां पे जो है तो वो अपना वो भेजा, चांद पे या पता नहीं कहां पे, चांद पे मेरे ख्याल में, अब उसका नाम भी पता नहीं क्या, चंद्रयान मिशन था पता नहीं क्या, तो मेरे ज़हन से निकल गया, चंद्रयान इस तरह का कोई था, तो उसमें उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। आपने उनकी लाइव फुटेज देखी होगी, लाइव कि वो उनका वो जो रोबोट जो है वो किस तरह उस शटल से या उस जहाज से निकल के इस पे लैंड करता है मून पे। ठीक है, उसकी मूवमेंट भी वो बता दे, तो उसमें ये क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था, वो वहां की फुटेज, वहां की तस्वीर, वहां की वीडियो नीचे भेजते थे। कितना फासला है। तो ऐसे छोटे छोटे या बारीक कामों में इस क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा इस क्वांटम कंप्यूटर का जो है तो ये हमारे पास जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो डी वेव क्वांटम कंप्यूटर है, डी वेव क्वांटम कंप्यूटर, डी वेव, ये उसका नाम दिया हुआ है डी वेव। अब ये नाम क्यों दिया हुआ है, वल्लाह। ठीक है, डी वेव क्वांटम कंप्यूटर एक इसकी एक किस्म है। स्मार्ट वॉच में बहुत सी आती है अक्साम। ठीक है, आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो, ये हमारी शिंकारी बाजार में आपको जगह जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, स्मार्ट वॉच हो गई, क्वांटम कंप्यूटर्स हो गया, फिर इसके बाद हम आप मेरे पास है ये 3D प्रिंटर्स। प्रिंटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर के फील्ड में प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है जो सॉफ्ट फॉर्म को कन्वर्ट करके हार्ड फॉर्म में हमें उसका प्रिंट देता है। इसी तरह आज हमारे पास 3D प्रिंटर्स बने हुए हैं, 3D प्रिंटर्स इस ये कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होता है। इसी क्वांटम कंप्यूटर आप समझो या सुपर कंप्यूटर समझो, उसमें डिजाइनिंग किस तरह की हुई होती है कंप्यूटर के अंदर, वो किसी चीज का डिजाइन उसको देते हैं। ठीक है, उसको वो काम पे लगाते हैं, वो खुद उसकी डिजाइनिंग करता है, वो 3D प्रिंटर जो होता है जी। 3D तो क्या, आज 8D आया हुआ है। ये 3D क्या होता है, ये 3 का मतलब 3, डी डायमेंशंस, डायमेंशन सिम को कहते हैं, यानी एक इधर से एक इधर से एक इधर से 3D। ठीक है, ये पेन जो है ना ये अब मेरे पास 8D है। ठीक है, मैं इधर से भी देख सकता हूँ, इधर से भी देख सकता हूँ, उधर से भी देख सकता हूँ, उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, 8 अंतराल से मैं इसको देख सकता हूँ। इसमें फिर 5D है, 3D टेक्नोलॉजी। तो ये तो हार्डवेयर है ना, सॉफ्टवेयर। अगर आप देखो 3D टेक्नोलॉजी, 3D सॉन्ग्स आए हुए, किसी ने कुछ सुनो
3D song, Bluetooth या माइक, उसको क्या कहते हैं ये हेडफोन ईयरबड्स, इसको अगर आप कानों में लगाओ 3D song, आप वहां पे गूगल पे जाके सर्च करो, आप बैठे रहो तो आपको पता चलेगा कि आवाज ऐसे घूमती है, ऐसे आती है, उधर जाती है, उधर से आवाज ऐसे पीछे ऐसे घूमती है, आज जाके चेक कर लो। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास हेडफोन ओरिजिनल वाले हों, वूफर टाइप के, उसमें वो सॉन्ग आपको सुनने में मजा आता है, आपका सब लगन होता है, पीछे आप आंखें बंद कर दो, वो गाना वो सॉन्ग ऐसे घूमेगा, इधर से जाएगा, आप कहोगे कि वो तो चला गया गाना, वो तो इधर आ जाएगा, ऐसे पीछे 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 3D, 3 dimension, उसमें 5D भी आएंगे, इस पे जाके आप क्या करो। इसी तरह 3D प्रिंटर है, ये 3D 3 dimension या 5 dimension चीजों को क्या करते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक नोट दूसरा लिखा हुआ है, कह रहा है जी बायोमेट्रिक स्कैनर, बायोमेट्रिक स्कैनर, बायोमेट्रिक का नाम से पहले सुना है, मेट्रिक तो दसवीं नौवीं दसवीं, बायोमेट्रिक स्कैनर वो होता है कि जिसके जरिए से हम अपनी ये उंगलियों के जो हमारे पोर जो हैं या ये क्या फिंगरप्रिंट्स हैं, इनके जरिए से हमारी सारी शनाख्त हो जाती है, ठीक है। स्कूलों में भी हुकूमत ने लगाए थे कि जो आएगी जी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, उसकी हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से होगी, यानी एनालॉग को वो कन्वर्ट कर रहे थे डिजिटल पे, और किए भी आज तक वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं हमारे खैर पाकिस्तान में, तो आपको पता है जवाल ही जवाल, दुनिया कहां पे चली गई और हम जो है तो वो इसी पे लड़ रहे हैं, वो ठपे और होश में भी वो हाँ मोरों पे। अब इंडिया वालों ने या जितने भी दूसरे ममालिक में जो वहां पे बायोमेट्रिक सिस्टम है, वोट करने के लिए आओगे आप उंगली अपनी लगाओगे, फिंगरप्रिंट्स, आपका वोट हो जाएगा, वहां पे निशान होगा किसको वोट देना है, टक टक ब्लड, ऊपर से इंटरनेट से सारा डेटा आ गया जी, हमारा डेटा सारा नादर के पास है ना, तो वहां पे डेटा आ जाता है जी, वो मोर लग जाती है इसने दे दिया, अब वो दोबारा जाएगा तो कहेगा बच्ची किधर, इधर तो एक पे जो है तो 6 भी लगाओ 600 भी लगाओ कोई नहीं पूछता। दिस इज कॉल्ड बायोमेट्रिक स्कैनर, ये स्कैन करता है। आसान मिसाल आपके मोबाइल के पीछे वो होता है, तो मेरा मोबाइल फिंगरप्रिंट्स मोबाइल पे है लेकिन वो तो लग हुए फिंगरप्रिंट्स, उसको आप लगाते हो आपका मोबाइल खुल जाता है, क्यों, वो आपके फिंगर के प्रिंट्स को जान लेता है कि ये जिसने पहले अपना कोड दिया हुआ है, किसी और को दोगे वो नहीं कर सकेगा, होता ही नहीं होता। इसी तरह आंखों के साथ, हाँ बस सिस्टम कंप्यूटर या जो है हमारे पास मोबाइल ऐसे कि वो आंखों के अंदर वो उसके वो जो उसकी आंखों की साख जो है या अंदर जो भी फंक्शन है उसको स्कैन करके तो कहते हैं कि ये वही है, ये पाम, ये जो हमारे ये हथेली है इसके जरिए से वो उसको कर लेते हैं, जांच लेते हैं कि ये और ये वो, यानी कि ये कहने का मतलब ये कि हमारे पास ये क्या है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आ रहा है, इससे भी आगे और चीजें आएंगी, इससे भी आगे जू जू वक्त गुजरता जाएगा तो गोरा सरकार जो है हमारे लिए और चीजें खोल के हमें देते जाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे फायदा, ठीक हो गया, ठीक है। ये मेरे जहन में आ रही थी वक्त की कमी की वजह से, इसको जो है तुम्हें यहाँ पे इसको स्टॉप कर, ठीक है, बाकी मैं और भी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको बता दूंगा, समझ असल चीज है, बात को समझोगे कि हमारे पास आज के दौर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर की एक फील्ड है हर मैदान में, लेकिन चूंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उसमें मुझे और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया, कोई मसला परेशानी, ठीक आप बोल। अच्छा,